अगर आप भी एक टेलीग्राम यूज़र हो और आप चाहते हो कि आपके आईडी को सिक्योर करने के लिए जो यूज़र पाथ होता है उसको लगाना, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। और इस यूज़र पाथ से जो आपका आईडी का बैन होने का चांस भी कम है, बिकॉज ये जो है पायरोगम स्टिंग पे बेस है। अगर आपका आईडी जो है इंडियन है तो इसका बैन चांस जो है बहुत कम है। अगर यूएसए का आईडी है और आपका आईडी जो है न्यू है तो इसका जो गारंटी है वो मैं दे नहीं सकता। तो आपको सिंपली रिपो के लिए जाना है मेरे डिस्कस ग्रुप में, उसके बाद आपको टाइप करना है #genius। तो आपको जो है रेपो मिल जाएगा, उसके बाद आपको जो करना है रेपो पे क्लिक करना है। उसका जो है गिटहब ओपन हो जाएगा, तो गिटहब को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको डिप्लॉय टू हीरोकू वाला बटन दिख जाएगा, आपको डिप्लॉय टू हीरोकू बटन पर क्लिक करना है। अगर आपके पास हीरोकू नहीं है तो आप लोग जो है बना लेना। और अगर आप चाहते हो कि हीरोकू बाय करें मेरे से, तो आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको जो है सबसे कम रेट में जो है हीरो का अकाउंट दे दूंगा। अगर आप लोगों को जो है हीरो का अकाउंट बनाना सीखना है तो भी आप लोग जो है हमारे चैनल में ज्वाइन हो जाइए। तो सिंपली इधर जो है आपका नाम लिख देना या कुछ भी लिख देना, अपने में जो होता है लिख देना। तो मैं आपको दिखाने के लिए बस नॉर्मली उल्टा सीधा लिख देगा। उसका आपको देना है API has API ID। तो API has और API ID निकालना तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता आप लोग जो है हमारे वीडियो देख सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने तो पहले से API has और ID निकल के रखा है, उसको जो है कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। तो अब मैं जो है टेलीग्राम को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं बहुत पहले से निकल कर रखा था, उसको जो है कॉपी कर लेता हूँ। तो अब मैं इधर पेस्ट कर रही हूँ। तो अब आता है बॉट टोकन। तो बॉट टोकन के लिए आपको सिंपल जाना है बॉट फादर में और एक बॉट बनाना है और उस टोकन को इधर पेस्ट करना है। तो आई थिंक मैंने पहले से एक बॉट बना कर रखा है, उसको ही जो है कॉपी पेस्ट करूँगा। तो बॉट फायर का जो यूज़र नेम है वो आप लोग देख लो। तो मैं सिंपली माय बॉट्स पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद जो है एक बॉट ले लेता हूँ लाइक जो भी एक सिलेक्ट कर लूँगा। आप लोग जो है बॉट बना लेना, मेरा पहले से इसलिए मैं नहीं बनाया। बॉट बनाने के बाद जो है माय बॉट्स करना और उस बॉट को सिलेक्ट करना और API टोकन पर क्लिक करना। उसके बाद नीचे जो टोकन आएगा उसको कॉपी करना और इधर जो है पेस्ट कर देना बॉट टोकन पे। बॉट टोकन देने के बाद आपको आता है लॉगर ग्रुप आईडी। तो लॉगर ग्रुप आईडी के लिए आपको जो है करना है, इसमें जो है आप और रोजबॉट रहेंगे। रोजबॉट को लाइक कोई भी मैनेजर बॉट चल जाएगा। रोजबॉट को ऐड करने के लिए मैंने बोला इसलिए क्योंकि रोजबॉट ज़्यादा सिक्योर है। उसके बाद आपको उस ग्रुप में जाकर आपको सिंपली टाइप करना है /ID। सॉरी, पहले इसको जो है विजिबल कर लेना है। चैट जो है हिडन है उसको जो है आप विजिबल करना, उसके बाद ही जो है आपका ग्रुप आईडी मिलेगा। अब आप /ID करना तो देख सकते हो। आपको सिंपली जो है लॉगर ग्रुप आईडी में इसको पेस्ट करना है और आपको सामने जो माइनस है उसको भी रखना है साथ में। उसके बाद आपको देना है MongoDB URL। तो MongoDB URL अगर आपका पहले से ही हो दे देना, अगर नहीं है तो आप लोग निकल लेना। तो मैंने MongoDB पर भी वीडियो बनाया, वो निकल लेना। तो मैं एक फेक MongoDB दे देता हूँ जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। मैंने MongoDB कहीं और था तो उसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं जो है इधर पेस्ट करूँगा, तो देख सकते हो मैंने MongoDB जो है पेस्ट कर दिया। अगर आपका MongoDB जो है गलत होगा तो आपका बॉट जो है वो काम नहीं करेगा। उसके बाद आपको देना है
ओनर आईडी। तो ओनर आईडी आपको कैसे मिलेगा ये भी दिखा देता हूँ। सिंपल आपको फिर से उस ग्रुप में जाना है जो ग्रुप आपने बनाया है, उसके बाद आपको जो स्लैश आईडी की है उसको रिप्लाई करके और एक बार आईडी लिखिए तो आपका जो आईडी है वो मिल जाएगा। तो इसको जो है कॉपी कर लेना। अगर आप चाहते हो किसी और को ओनर देना तो आप किसी और को भी दे सकते हो। उसके बाद आपको जो है स्टिंग, तो इधर आपको जो है पायरोगम का स्टिंग डालना है, टेलीथोन का मत डालना। और पायरोगम का स्टिंग कहाँ से निकालोगे ये भी मैंने एक वीडियो दिया हो वो देख लेना, जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उधर से निकालोगे तो आपका जो आईडी है वो बैन नहीं होगा लगभग, बट मैं गारंटी नहीं दूंगा। और उधर से आप निकालोगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा आपका स्टिंग, मतलब आप नंबर दोगे और आपका ओटीपी दोगे तो स्टिंग निकल जाएगा। तो आप जो है स्टिंग को कॉपी करते हो। तो स्टिंग को कॉपी करने के बाद आपको इधर पेस्ट करना है, उसके बाद जे डिप्लॉय ऐप पर क्लिक करना है। तो डिप्लॉय ऐप पर क्लिक करने के बाद जो है ज़्यादातर यूजर वर्ड में अभी जो है एरर आ रहा है, तो देख सकते हो इसमें जो है कोई एरर नहीं आ रहा है। तो देख सकते हो अभी भी जो है प्रोसेसिंग हो रहा है। तो प्रोसेसिंग होने के बाद जो है इसका डायनो जो है उसको ऑन करना होगा। तो मैं और एक बार बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को जो है हीरो को बाई करना है बाकियों से कम रेट में तो आप लोग जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट आईडी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लोग जो है आपको 100 रुपी में दे रहा है, मैं उससे भी कम में दूंगा। तो प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ी और देर रुकना होगा। बहुत डिप्लॉय होने के बाद आप लोगों को जो है ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद आपको क्लिक करना है मैनेज ऐप पर। मैनेज ऐप पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा आएगा, उसके बाद आपको जो है मोर पर क्लिक करके व्यू लॉग पर जाना है और आपके बॉट में क्या एरर है वो दिखा देगा। मेरे बॉट में जो है स्टिंग का एरर आएगा, बिकॉज जो है ये मेरा पुराना स्टिंग है जिसको मैं है टर्मिनेट कर दिया है। मैं बस आपको दिखाने के लिए स्टिंग यूज़ किया हूँ। तो उसके बाद आपको जाना है थ्री लाइन पर, लाइक नीचे वाला जो थ्री लाइन है, उसके बाद आपको पेन वाला आइकन पर क्लिक करके इस बटन को जो है ऑन करके कंफर्म कर देना है, तो आपका बॉट जो है वो रन कर जाएगा। तो मेरा बॉट रन नहीं करेगा, मैं तो पहले ही बता दिया हूँ मेरा जो स्टिंग है वो बहुत पुराना है जिसको मैं टर्मिनेट भी कर दिया है। तो आप लोग जो है इस बॉट को डिप्लॉय कर देना, आपका बॉट जो है वो रन कर जाएगा, मैं पक्का बोल गारंटी दे रहा हूँ। तो और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।